हेलो स्टूडेंट, आज हम कंप्यूटर में चैप्टर 2 जिसमें पेज नंबर 2020 कर रहे हैं द मॉनिटर, उसका कंसेप्ट समझना है। द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन, मॉनिटर कैसा दिखता है, टीवी स्क्रीन जैसा दिखता है। नाउ सी हियर, इट शोज व्हाट एवर यू राइट यूजिंग द कीबोर्ड, कीबोर्ड में जो जो लिखोगे वो आपको यहाँ शो करेगा मॉनिटर के ऊपर। ओके, यू कैन वॉच कार्टून फिल्म्स एंड मूवी ऑन इट, आप इसके अलावा कार्टून फिल्म भी देख सकते हो एंड पिक्चर भी देख सकते हो। ओके, फिल्म देख सकते हो। नाउ सी नेक्स्ट पेज, हियर इज कीबोर्ड, द कीबोर्ड इज यूज टू राइट, कीबोर्ड का हम किसके लिए यूज़ करते हैं, राइट करने के लिए। इट हैज़ कीज ऑन इट, इसके ऊपर बहुत सारी कीज होती है। इट हैज़ लेटर कीज ए बी सी डी, ये लेटर कीज है। फिर नंबर कीज 1 2 3 4 5, ऐसे नंबर्स की होती है। एंड मैनी अदर कीज ऑन इट, इसके अलावा स्पेस बार, एंटर की, कर्सर की, वो सब होती है। तो वो अनदर की, ऐसे अनदर की भी इसके ऊपर होती है। नाउ सी हियर, देखो यहाँ दिया है, ये सारे क्या है, लेटर की, ये है नंबर की। नाउ सी हियर नंबर की, इसके अलावा अनदर की दिए है, देखो बैक स्पेस की, स्पेस शिफ्ट, एंटर, ओके, कंट्रोल, फिर अल्टर, इसके अलावा यहाँ भी देखे है ना, ये सारी अनदर की पर भी दी हुई है, ये कर्सर की। ओके, नाउ टर्न योर पेज, अभी यहाँ देखिए माउस है, द माउस, अ माउस इज यूज टू पॉइंट टू थिंग्स ऑन द मॉनिटर, इट हैज़ 2 or 3 बटन ऑन इट, इट इज़ कैप्ट ऑन अ माउस पेड, अभी देखो ये माउस है, माउस पेड के ऊपर रखा जाता है, ये जो नीचे है ब्लैक कलर का उसे माउस पेड बोलेंगे। ये माउस है, माउस में 1 2 3, ऐसे 1 2 या 3 बटन होते हैं। ओके, अगर हम माउस को पॉइंटर भी बोलते, ये माउस के पॉइंट के जरिए हम मॉनिटर पे कहीं भी आपको कुछ लिखना है तो वहाँ पॉइंट रख के हम लिख पाते हैं, और कुछ सिलेक्ट करना है तो भी उसके पॉइंट का यूज़ करते हैं। ओके, अभी यहाँ देखते हैं द सीपीयू, अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट द सीपीयू, द सीपीयू इज द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, ये सीपीयू के बिना हम कंप्यूटर पे कुछ वर्क कर सकते हैं नहीं है, इसलिए सीपीयू इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इसे ब्रेन भी बोलते हैं, जैसे हमारे ब्रेन से हमारा पूरा शरीर चलता है वैसे ही सीपीयू से पूरा कंप्यूटर रन होता है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट पेज, स्पीकर, द स्पीकर्स, स्पीकर आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक, स्पीकर से हमें क्या होता है, म्यूजिक लिसन करने में यूज होता है। ओके, यहाँ है स्पीकर। नाउ सी द प्रिंटर, अ प्रिंटर कैन प्रिंट ऑल दैट यू राइट, अ प्रिंटर क्या करता है, जो आपने राइट किया है या तो, और ड्रॉ ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे आपने जो भी ड्रॉ किया है या राइट किया उसका प्रिंटर चाहिए तो आपको प्रिंटर के जरिए मिलता है। ओके, ये प्रिंटर का यूज़ है। नाउ टर्न योर पेज, अभी हम देख रहे हैं एक्सरसाइज। ओके, रीड द सेंटेंसेस, सर्कल द करेक्ट वर्ड, पहले हम एक्सरसाइज देख रहे हैं, द एक्सरसाइज में पहला ही सेंटेंस देख रहे हैं, द मॉनिटर ऑब्लिक माउस हैज़ 2 or 3 बटन ऑन इट, 2 or 3 बटन किसको होते हैं, माउस को। सेकंड, द मॉनिटर ऑब्लिक सीपीयू लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन, टीवी स्क्रीन जैसा कौन दिखता है, यस मॉनिटर। थर्ड नंबर है, द प्रिंटर ऑब्लिक मॉनिटर प्रिंट्स ऑन पेपर, पेपर पे प्रिंट्स करना है तो किस के जरिए करते हो, यस प्रिंटर। फोर, द कीबोर्ड ऑब्लिक सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, सीपीयू। फाइव, द कीबोर्ड ऑब्लिक स्पीकर्स आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक को लिसन करने के लिए किसका यूज करते हो, स्पीकर्स। सिक्स नंबर, द माउस ऑब्लिक कीबोर्ड इज यूज टू राइट, राइट करने के लिए किसका यूज करते हो, कीबोर्ड का। ओके, अ ट्री ऑब्लिक बॉल इज अ नेचुरल थिंग, सेवन नंबर में देखो आपको नेचुरल थिंग्स पूछा है तो नेचुरल कौन है, बॉल है कि ट्री, ट्री तो ट्री पे हमने सर्कल किया। एट नंबर देखिए, अ फिश ऑब्लिक पेन इज अ मैन मेड थिंग्स, मैन मेड, मैन ने बनाया हुआ, तो फिश की पेन, पेन तो पेन पे सर्कल करो। फिर इसके बाद 9 नंबर है,
अ कंप्यूटर ऑब्लिक बुक इज अ मशीन. मशीन कौन है? कंप्यूटर की बुक्स. यस, कंप्यूटर जहाँ प्लग लगाओ, स्विच ऑन करो, तभी हमारा कंप्यूटर ऑन होता है. बुक में ऐसा नहीं होता, कहीं स्विच नहीं लगाने की जरूरत. ओपन करो और रीड कर सकते हो. नाउ 10 नंबर, द माउस ऑफ द कीबोर्ड हैज़ मैनी कीज ऑन इट. मैनी कीज किस में होती है? माउस में कि कीबोर्ड में? कीबोर्ड में. तो कीबोर्ड में सर्कल किया. नाउ डू इट, हैव अ नाइस डे.